नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई आउटलेट मार्केट। जी हाँ, उसमें भी आजकल जॉब डायरेक्ट इंडिया से हायर कर रहे हैं। आपके पास भी कॉल आया होगा या आपने ऑनलाइन कहीं ना कहीं मैसेज कर दिया या फिर आपने कहीं कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ दिया या फिर आपने कोई सीवी अपने डॉक्यूमेंट डाले हैं तो आपके पास भी कॉल आते होंगे। जी हाँ, एक बंदे के पास कॉल आया था, जानकारी लेना आप लोगों को भी ज़रूरी है भाई, आपके काम की हो सकती है। जी अब देखिए, पता नहीं लगता कि रियल हो रहा है, पैसा नहीं मांगा जा रहा है, इसका मतलब काम सही हो रहा है, लेकिन झोल कहाँ हो जाता है। अगर आप भी इसी तरह की कोई अप्लाई करते हैं, कॉल मैसेज या बात होती है, तो कुछ चीज़ों की अगर सावधानी बरत लेंगे तो भाई आपकी दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर दिक्कत तो आने वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, एक बंदे के पास जैसे उसने अप्लाई किया तो थोड़े टाइम के बाद में एक कॉल आ गया, मैसेज आ गया। जी हाँ, बातचीत होने लगी, इंटरव्यू हुआ बंदे का, ऑफिस वाले ने बोला कि आपके पास बाहर से कॉल आएगा, तो उसके पास कॉल आया, 6 मिनट का कॉल आया। जी हाँ, बाकायदा पूरी बात हुई, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्डेड था, मेरे व्हाट्सएप पे भेजा गया था, मैंने उसकी बात पूरी सुनी। 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो था, उधर से कोई लेडी बोल रही थी अलग तरीके की लैंग्वेज, यानी वो विदेशी थी नो डाउट। जी सब कुछ पूछ लिया, सिलेक्शन कर दिया गया। जी हाँ, सैलरी की बात करें तो 2650 AED यानी 2650 दराम उसको दुबई दराम तनख्वाह दे दी गई। काम की बात करें तो चीप का काम दे दिया गया। जी हाँ, दुबई आउटलेट मार्केट मॉल में, अब आउटलेट मॉल में चीप का काम मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। चीप का मतलब यही होता होगा ना, जो होटलों में खाना वगैरह बनाते हैं उन्हीं को चीप बोलते होंगे शायद, आपको भी पता होगा। जी अब ये बात तो एक तो ये हो गई, सोचने की बात है ना। सिलेक्शन हो गया, ऑफर लेटर भी आप देख सकते हैं, ऑफर लेटर में भी ये सब बातें लिखी गई हैं, बंदे का नाम, कैटेगरी लिखा है, तनख्वाह भी लिखी गई है पूरी, पैसा कितना कटेगा उसमें से, जो तनख्वाह उसमें से 50% सैलरी से कट जाएगा एक बार के लिए, बाकी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जैसा कि ऑफर लेटर में बातें लिखी गई है। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि जो बातें ऑफर लेटर में लिखी गई हैं वही की वही मैडम ने रिपीट कर दी 6 मिनट में। जी हाँ, मैंने आवाज़ सुनी, फिर मैंने उनकी ऑफर लेटर पढ़ा, यानी एक भी शब्द इधर से उधर नहीं हुआ। जैसे ये हुआ कि जैसे ये किताब है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, टिप्स फॉर गोइंग अप्रोड, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होने का मतलब सामने ऑफर लेटर हुआ है, उसमें से पढ़ के बंदे का इंटरव्यू लेना है, बात खत्म। 6 मिनट का इंटरव्यू में बस सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बात कहीं नहीं बताई गई उस इंटरव्यू में कि भाई आपको ये काम करना होगा, इस तरह से आप काम करोगे, कौन सा काम कहाँ किया था, कितना एक्सपीरियंस है, ये बना लेते हो, यानी इंटरव्यू किस बात का होता भाई। अगर मैं मान लो मैं मेरे फील्ड में कोई काम के लिए इंटरव्यू देता हूँ तो बंदा यही पूछेगा ना कि आप किस तरह से काम, अगर ये करोगे तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे। मैंने इंटरव्यू देखे हैं, कोई कारीगर आदमी होता है तो उससे इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे कोई मेसन है तो उससे पूछा जाता है ये ईंट यहाँ पे इतने टाइम में लगती है, प्लास्टर इतने टाइम में होता है, ऐसी बातें होनी चाहिए। बंदे से ऐसी कोई बात नहीं हुई, लास्ट में बोले आप यू आर सेलेक्टेड, बधाई हो आपको और आपको ये तनख्वाह मिल जाएगी, आप अपने एजेंट से कॉन्टेक्ट कर लें, और आपका कोरियर सर्विस चार्ज 10,000 से ऊपर बताया, उनकी लैंग्वेज ऐसा ऊपर नीचे हो रही थी, तो कुछ शब्द हैं वो एकदम स्लो बोलते हैं, वो पल्ले नहीं पड़ा, एवरेज 10,000 के करीब उनसे कोरियर चार्ज मांग लिया गया, वो आप अपने एजेंट को दे दीजिए। आप बताइए जी, यहां आते झोल हुआ कि नहीं हुआ, जिस काम के पर्पस से 6 मिनट बात हुई उसमें कोई चर्चा नहीं, फालतू की बातें की गई, सिलेक्शन तुरंत उनका फोन पे कर लिया गया, 2650 तनख्वाह दे दी गई और कोरियर सर्विस चार्ज बंदे से वो मांग लिया। किसने मांगा? जो दुबई से फ़ोन करके लेडी बोल रही थी कि आपका सिलेक्शन हो गया, मैं दुबई आउटलेट मार्केट से मॉल से बोल रही हूँ, उसने कोरियर चार्ज मांगा किससे? क्लाइंट से। अब यहाँ पे झोल है कि नहीं है? तो ऐसे अगर सिस्टम आपके साथ भी हो तो भाई सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाकी ये बुक भी आप लोगों के लिए ही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं, इसमें वो सब कुछ है जो मैंने बताया, इन चीज़ों से बच सकते हैं। बस ये अपडेट देना था, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।